ऐं दुख इहो आहे त मंगेश साहब ॿियनि सभिनी SP चयो त बाबा असां कातिलनि ताईं पहुचंदासीं, उहे कातिलनि ताईं न पहुची सघिया। नतीजो इहो निकितो त इंतिज़ामी नाअहलीअ जे करे हिकु नियाणी जो असांजी जो हिकु नियाणी जो खून न ॿुधो आहे, पर उन्हनि माण्हुनि जिन खून कयो आहे उन्हनि खे छेक छॾियो वियो आहे। त ॿियनि नियाणियुनि जा बि तव्हां क़तलु कयो, इहे वारदातूं कंदा रहो। आदि अनीता मूंखां पुछो त अदा ई प्रोग्राम भला आहे, छा आहे उन जा रीज़न छा आहिनि। मूं चयो थी हाणे असां जेके आहियूं ॿियो त कुझु करे नथा सघूं, पर या हुसैन या हुसैन त कंदासीं न। ही प्रोग्राम नियाणीअ जे लाइ असांजो प्रोग्राम आहे, उहो या हुसैन करण वारो जेको आहे, हिकिड़ो प्रोटेस्ट आहे, हिकिड़ो प्रोटेस्ट आहे। ऐं मॉर्टिन लूथर किंग जूनियर चयो आहे इनजस्टिस एनीवेयर इज़ ए थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। किथे बि नाइंसाफ़ी थिए थी उहा उन जॻह ते नाइंसाफ़ी नाहे, उहा ग्लोबल नाइंसाफ़ी आहे। उन जा असरात जेके आहिनि सॼी दुनिया ते पवनि था जेको आहे सोनार छास। ऐं इन खां अॻु में असांजी रिन छोकिरी मुंहिंजे ख़्याल में नाइला उनजो नालो हो, उनजो कीअं खून ॿुधी वियो। हाणे जॾहिं मां ॾिठो लाड़काणे में त हिकिड़े एस आहे शराब जी बोतलुनि सां हिकिड़े माण्हुनि खे पकड़ियो ऐं उते यकदमि वॾेरो पहुची वियो ऐं एस आहे जो अची गले मां वरिती, उनजी बेज़ती कई। उहो सॼे थाणे मां बोतलूं बि खणी वियो, पंहिंजा माण्हू बि छॾाए वियो। पोइ मूंखे सम्झ में आयो त नायला जो अति निम्रता जो खून छो ॿुधो आहे, छाकाणि त इन विच मां नगमा आई आहे, नगमा शेख खे गुज़ारे ॾींदुसि त मथे स्टेज ते अचे। मूंखे रीज़न सम्झ में अची वियो त जिते सिपाही ख़ान ऐं पाटे ख़ान मुआशिरो हूंदो आहे उते खून थियणु, ज़्यादतूं थियणु, कब्ज़ा थियणु ऐं तकलीफ़ूं ॾियणु इहे आम रवाजी उन मुआशिरे में जो हिसो हूंदियूं आहिनि। सो हाणे असां ॿियो कुझु त नथा करे सघूं, पर उनखे बैरियर ॾियण जे लाइ, बैरियर जेसिताईं तव्हां नथा ॾियो न, कंहिंखे बंदि नथा ॾियो, उहो शयूं रुकजी न सघनि। मिसाल तौरु माण्हू जो ख़्यालु हूंदो त निम्रता जो खून जेको सो लुड़ी वियो ॿुॾी वियो, पर असां उनखे हींअर रिवाइव पिया कयूं। जिन माण्हुनि उन खून खे लेयर ॾेई छॾियो हो, लेयर ॾेई छॾियो हो त बाबा हाणे इहा शइ ख़तमु थी वई आहे, पर न, जॾहिं असांजी मीडिया में ऐं जॾहिं गबोल मीडिया में इहा शइ आश्कार थींदी, असांजी प्रेस में जेके बि दोस्त अचनि उहे जॾहिं इन शइ खे आश्कार कंदा त इहो सिर्फ़ु असांजे लाइ न, उहे माण्हू जेके आहिनि इन जा मुजरिम उन ताईं बि इन जो आवाज़ु ॾींदो। उहो सम्झो सम्झंदा त सिंध जूं नियाणियूं निंदड़कियूं न आहिनि, ठीकु आहे असांजे वस में नाहे त उन्हनि माण्हुनि खे पुॼी नथा सघूं, असांजे वस में नाहे त लॉ एंड ऑडर असांजे वस में कोन्हे को, न को असां इंतिज़ाम में आहियूं, पर असांजो इहो राइट आहे त असां प्रोटेस्ट कयूं। हीअ गॾिजाणी इन प्रोटेस्ट जो
जो समझो रिवाइवल लाए, रिवाइवल लाए। मुझी एक इंटरव्यू 2001 में डॉन मैगजीन में वतो हो मिस्टर रॉबिन फर्नांडिस। तो जै सूफीज़म से सिंध सूफी इंस्टिट्यूट के तरफा प्रोग्राम कराया पे तो उन मुखा इंटरव्यू अचे तो मुझे इंटरव्यू छपल है डॉन में, रिवाइविंग अ डॉर्मेंट सिविलाइजेशन। ही जका असांजी तहजीब आ जिते लेयर अची आ उनके रिवाइवल में क्या ही रिवाइवल है, ही रिवाइवल है। साईं जी एम सर पंजे एकड़ी किताब में लिखो है जबरदस्त, हीरोज के याद करण या मजलूमन के याद करण भी यो असांजे लाइ हिकड़ो वॾो ही असांजो रिवाइवल आ। उन्हनि जे लाइ पैगाम आहे त सिंध अञा निधड़की न आहे, ऐं धणकी आहे। ठीकु आहे, हालतूं दुनिया में थींदियूं आहिनि। रशियन इनकलाब आयो त उन में तमामु घणो जेको आहे औरतूं हूंदियूं, ॿिया जेके इनकलाब ईंदा आहिनि उन में मज़लूम घणियूं औरतूं ई हूंदियूं आहिनि जेके सिनार छाकाणि उन्हनि जो को वाली वारस न हूंदो आहे। पर उन्हनि जो आवाज़ु जॾहिं ईंदो, औरत जो जॾहिं आवाज़ु ईंदो ऐं मर्द जॾहिं उनजो आवाज़ु खणी उथंदा उन में थोरो घणो वज़न हूंदो। सो मां तव्हांजो टाइम नथो वठां, तव्हांजी महिरबानी, तव्हां हिते आया आहियो। मां इन सां गॾु असांजो दोस्त यूनुस माहिर साहबु आहे, उनखे गुज़ारिश कंदसि त अचनि ऐं ॻाल्हाए। अवल अला अलीम आला आलिम जो धणी कादुर पंहिंजे कुदरत सीम काए महा कदीम वाली वाहिद वहदहु राज़िक रब रहीम सो सारा आहे सचो धणी चई हमद हकीम जोड़े पाण करीम जोड़ो जोड़ जहान। स्टेज ते वेठल मुंहिंजा सीनियर दोस्त साथी साईं मसूद नूरानी साहबु, असांजो प्यारो दोस्त कामरेड जगदीश आहूजा साहब ऐं असांजी जदोजहद जी साथियाणी नगमा शेख साहिबा ऐं अॼोके हिन महफ़िल जो मेज़बान साईं ख़ादम हुसैन सुमरो साहब ऐं हाल में वेठल दोस्तो साथियो जीएसएन। दोस्तो साथियो साईं जेकॾहिं थोरो तवजो थिए प्लीज़। दोस्तो साथियो कंहिं बि समाज जी इहा वॾी बदक़िस्मती हूंदी आहे त उन समाज मां माण्हुनि जो इंसाफ़ तां अरवाह खजी वञे ऐं माण्हू इहो सम्झनि त असांखे को बि इंसाफ़ु न मिलंदो। उनजो ताज़ो मिसाल इहो आहे, कल्ह टियों ॾींहुं आलमदीन डॉक्टर आदिल साहब के जो आए सो शाह फैसल कॉलोनी में जो बहरा मर्डर कयो वियो, पर उनके खानदान यो तय कयो त असा एफआईआर दाखिल न कराईंदासीं। मां समझा तो यह असांजे सोसाइटी जी सब का वड़ी नाकामी आहे त जो खून थे ऐं जिनजो को वारिस कंहिंजो पीउ कंहिंजो पुट मर्डर कयो वञे पर उनजा जेके वारिस हुजनि उहे गॾियल तौर ते इहो तय कनि त असांखे एफआईआर दाख़िल न करणी आहे। माना असांखे इंसाफ़ु न मिलंदो, हिन सोसाइटी इंसाफ़ जा दर बंदि करे छॾियानि तंहिंजे करे असां एफआईआर दाख़िल न कराईंदासीं। ऐं ईअं ई निमरता चंदाणी जे केस में बि ईअं ई थियो ऐं उन्हनि जे वालदीन उन्हनि जे भाइरनि इहो तय कयो त असां केस दाख़िल न कराईंदासीं। ऐं जॾहिं केस दाख़िल नथो थिए त पोइ स्टेट जेका आहे असां उन में दावा करे थी या फरियादी थिए थी, पर जॾहिं स्टेट असांजे माण्हुनि सां बैरिस्टर साहबु असांजो चौधरी साहबु चवंदो हो धरती हो के माउ की जैसी या स्टेट हो के माउ की जैसी, हीअ जेके सरमाएदार स्टेट हूंदा आहिनि इन्हनि में इहो तसवुरु ई न हूंदो आहे त उनमें माउ जे बाज वारो तसवुरु हुजे। ही सरमाएदार जेके स्टेट्स आहिनि उहे त क़ाइम ई ज़ुल्म ते आहिनि। त हिकिड़ो अक़लियती तबिको जेको आहे उहो वॾा माण्हू ऐं इंतिज़ाम रखंदड़ माण्हू
बेन मजबूत तबक गजी कर आम मानू जो इस्तेसाल कन था जैसे ये स्टेट अस वाली जो है इनको रोल बिल्कुल माँ जड़ो ना है। हाँ तो स्टेट अस चवन डायण थी पी जो तुम मिसिंग पर्सन जहाँ केस ऐसो तो वकील डॉक्टर इंजीनियर सियासी कारकुन अगवा क्या वन था बिन महीन का जो मोटन था तो वह पाँच हाल में कोनन उनके दिमागी तवाजुन ठीक कोनन उनके मत साइकोलॉजिकल बया असर के तो बटे बटे साल थी वन टे टे चार चार साल थी वन उनजा जो पोयर तकिन था वेठा तो असा जो बचड़ा कदें मोटंदा एक मू मरी वो उनको खत्म दरुद कर छबो चबो बाबा रजा अला जी थी पर यह तो रोज़ जो मरण आ रोज़ जो जीण सो असि सोसाइटी अड़ी सोसाइटी है जहाँ जन रोज़ मरे पी रोज़ जिए पी। हाँ इन सोसाइटी में तुम समझो था तो जैसे बार जमन है तो माँ पी जहा ख्वाब कड़ा थन्दा उनके आईंदे जहाँ कड़ा ख्वाब थन्दा हर लम्हो उन माँ पी के लिए जो रिकॉर्ड से होंद तो इन साल में असि बार ही लाड कोड किया साल में ही लाड कोड किया प्रोफेसनल कॉलेज में पुजे तो डॉक्टर इंजीनियर ए कें यूनिवर्सिटी में जो दाखिला वे तो माँ पी फखुर से चवन था तो असि धीए तो डॉक्टर डॉक्टरी पढ़ वही असो पुट तो डॉक्टरी पढ़ वो पर जैसे वो डॉक्टर समाज लाए का सफलाए तो किरदार अदा करण के बदला उन लाश जैसे घर मोटे तो तुम समझो था तो उनका कड़ा अरमान हों कड़ी सोसाइटी सोसाइटी वे असा इंसाफ भी न दे कोई प्रोसिक्यूशन जो सिस्टम को पुलिस का भी जवाबदारी अरबे रुपया पुलिस से खर्च थन था पर का भी जवाबदारी पुलिस अदा कर तैयार को जो फरियादी है तो वो बेचारो परेशान आ जवाबदार के को भी हथ नो वे फरियादी परेशान आ तो मैं केस कें दाखिल कराया उनकी पोवारी क्या क्या वकील क्या क्या उनके लिए सौ मसला पैदा था थन समझा तो ये जो निम्रता जो केस है यो जड़ो कर असाजे सोसाइटी के निरड़ते कारो निशान है पर अस चूं था जिन जो कारो निशान हयों उ कारो निशान थोन असो अज गड थियण उन यादगिरो जारण है तो ये तहजी जो स्टेट है यह नाकाम स्टेट आ या कदें भी कामयाब स्टेट ना है। जैसे तुम मासूम औरत के मासूम शागिर्दानी के इंसाफ ना दई सको तो ये स्टेट कि हलंदी वो तो मानुन के जो को रोज जो जरूरत शूं भी मानुन को मिलन पंजा रुपये वाली खंड सवा सौ रुपये में थी वे हारिय को कणक वन तेरह सौ रुपये मण ए हाँ अस अटो विकन सत्तर रुपये किलो तुम हिसाब कर एडो वो फर्क है तो ये स्टेट ठही वे मानून के लिए है व्यापारियों के लिए ठही आ सरमाएदार ठही है उन गे उन फर्जलू आज उनके लिए ठही है वो सजो मुस्तफीद उन आम मानू जो इन स्टेट में को भी जो सुकारो आभार ना है। पर तक मायूस नो क्या हमेशा मानू को उम्मीद डो बारण घुर्ज इन बुरी में बुरी हालत में भी असें को रस्त कड़नो पवो असो रोल अदा करो पव तो सोसाइटी के अंदर अड़ो रोल अदा करूँ जो अस सोसाइटी के बेहतर कर सकूँ इन सोसाइटी के बेहतर असें ही करो जो मू चा मू चो सोचन था उनके ही इन सोसाइटी के बेहतर करो को भी ठग पुलिस वो इंतजामी अमलदार इन सोसाइटी के बेहतर न कह इन सोसाइटी के बेहतर कह तो डॉक्टर कह इंजीनियर कह इंटलेक्चुअल कह विचों क्लास कह औरत की जो औरत में वो माँ की बाज भी है भेण वाली जो है सो मोहब्बत भी है वो समझे थी तो असें जो सोसाइटी बेहतर न थी तो मुझा बच्चा जो इनसे सलामत न रहा वो बच्चन की सलामती लाइ सब कुछ कहीं समझा तो अस मिड़ी मुठ थी कर अजो की यादगिरी जो अज जो अस गुँ उन पैगाम भी यो आसा केस जो है अस नम्रता जो ना विसार उन गए हजार के तादाद में औरतू सिंध में शहीद थियन थी जिनके कारो कर मारे तो वे जिनके शक के बुनियाद से मारो तो वे जिनके बनी के बुनियाद से मारो तो वे तो इनके बनी जो हिस्सो दियणो पवो हाँ इनके मारे छो तुम हजार एकड़ बनी है बसो एकड़ इनके औरत के दियणा पवंदा एं खानदान का बनी निकरी करे बे खानदान में वेंदी ते कतल कर छो कड़ो माशरो इन माशरे के जुल्म
नाइंसाफ़ी खिलाफ़ असांखे मजमू तौर ते कठोर थियणो पवंदो, सोचणो पवंदो ऐं हिकिड़ी अहिड़ी सोच खे डेवलप करिणो पवंदो जो असां हिन ज़ुल्म जे निज़ाम मां पंहिंजी जान छॾाए सघूं। तव्हां सभिनी दोस्तनि में कबीर चयो आहे, सच ॿोलूं तो जग रूठे, झूठ ॿोलूं तो रूठे राम। कबीरा क्या करे दोनों कठन काम। हाणे मां मोहतरमा नगमा शेख खे गुज़ारिश कंदुसि अचनि ई अची ॻाल्हाए। बहुत शुक्रिया खादिम साहब, तमामु साथियो को यहां बैठे हुए लाल सलाम। मैं स्टार्ट करूंगी, ज़ुल्म रहे और अमन भी हो, क्या ये मुमकिन है, तुम ही कहो। यूनुस महाराज साहब जब आके यहाँ पे बात कर रहे थे, ख़ास तौर पे ये हमारे लिए जो सिंध में रहने वाले हैं उनके लिए बड़ा एक पैगाम था, उनके लिए एक बात थी कि हम एक अरसे से सदियों से यही बातें सुनते आ रहे हैं लेकिन आखिर हो क्यों नहीं रहा। पिछले साल निमरता की जब भी तस्वीर और इस तरह से आती है उसके सारे प्रोटेस्ट में जब हम दो तलवार पे और तीन तलवार पे मुसलसल साथियों के साथ कर रहे थे, एक बड़े तादाद ख़ास तौर पे नौजवानों की थी जिसमें सारे बहुत शदीद गुस्से में थे कि किसी तरह से भी कहीं हम सब साथी जहाँ पे भी होते अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए, इतना इंपॉर्टेंट है तो बाहर जाके बात कर लीजिए प्लीज़। मैं खादिम साहब से दो दफ़ा पहले भी कह चुकी थी तो मैडम अनीस हारून साहिबा हमारे दरमियान तशरीफ़ ला चुकी है, मैं चाहूँगी कि वो स्टेज पर आ जाएं। एनसीएचआर की फॉर्मर मेंबर है सिंध की और नेशनल कमीशन स्टेटस ऑन वेमेन की फॉर्मर चेयरपर्सन रह चुकी हैं, इंसानी हकूक़ के लिए काम करती रहेंगे, ख़ास तौर पे इनका काम जो है ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से है। मैं आपसे जिक्र कर रही थी कि जो पिछले साल जब निमरता का मर्डर हुआ था तो बहुत सारे नौजवान साथी ख़ासतौर पे लड़कियां लड़के और उसके कॉलेज के जहाँ पे वो पढ़ाई कर रही थी वो हमारे साथ उस प्रोटेस्ट में शामिल होते थे। हम सबका एक ही नारा होता था कि किसी भी तरह से कातिलों को गिरफ़्तार किया जाए। अभी आज जो हम निमरता की मेमोरीज़ को आज याद दोबारा से कर रहे हैं उसकी क्या वजह है, मुझे सबसे बड़ा अपने साथियों के साथ दुख और अलमिया ये होता है कि हमारी जो हमारा हाफ़िज़ा है वो बहुत कमज़ोर है, बार बार हम भूल जाते हैं कि रिंकल का मामला हो चाहे वो फोर्स कन्वर्जन वाले मामला, तो आखिर ये सारे मामला इस तरह से सिंध में क्यों होते हैं। हम तो बेसिकली बात कर रहे होते हैं कि एक क्लास का बहुत बड़ा इशू है जो कि देखा नहीं जाता और बार बार इसको इग्नोर किया जाता है। और अभी जब यूनुस साहब बात कर रहे थे तो पिछला जो 8 मार्च था वो ख़ास तौर पे हम लोगों ने जाके सखर रिवर की तरफ जाके सेलिब्रेट किया, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस खातून कहा जाता है अमर सिंधु अरफाना वगैरह, जब मुल्ला ने उनको धमकी दी कि तुम यहाँ पर नहीं मार्च निकाल सकती। रोज़ाना उस बिराज में पता नहीं कितनी खवातीन की लाशें गिराई जाती हैं, मार के रात को रात फेंक दिया जाता है और लोगों को पता भी नहीं चलता है। कितने सारे केसेस जो है रिपोर्ट है, आज तक 70 साल में पाकिस्तान की बदकिस्मती से कभी भी एक्यूरेट डेटा ही नहीं अवेलेबल है और ख़ासतौर पर जब भी खवातीन की बात हो तो वो मामला और पीछे हो जाता है। मुझे बताया जाए यहाँ पर कोई भी ऐसा साथी कि निमरता के केस की अब तक क्या अपडेट है। आप बड़ी माजरत के साथ अनीस मुझ पर गुस्सा भी होंगी लेकिन मैं बताती हूँ कि भाई सिंध में हम देखते हैं कि कातिल नहीं पकड़े जाते या नहीं सजाएं दी जाती, लेकिन पंजाब का आज जो एक मोटरवे का जो रेपिड था कि वज़ीर आज़म के जो उसके ऊपर उसको आज पकड़ भी लिया गया और मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ उसको सज़ा भी दे दी जाएगी, लेकिन हमारा अदालती निज़ाम और जुडिशरी निज़ाम और हमारे जो हुक्मरान तबके के जो लोग हैं वो सभी एक जैसे हैं, मिलजुल के खा रहे हैं शायद, इसीलिए उस पर कोई अमल दरामद भी नहीं होता है। बड़े मज़े से ये होता है कि कभी कारी करके और गैरत के नाम पे बार बार ख़वातीन को ही मारा जाता है, उनको फेंका जाता है और उसके बाद कोई बात भी नहीं होती है। और आप देखें कि सिंध ख़ास तौर पे सिंध जो है ख़वातीन के हवाले से बड़ा ओपन था, एक्सट्रीमिज़म उस तरह से नहीं था, लेकिन यहाँ पर अब आपको पर्दा करना हर एक का अपना मामला है, उसका अपना बुनियादी हक है कि वो करना चाहते या नहीं करना चाहते। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो एक हमारी साथी अनिला के साथ जो हुआ था कि वो किसके हाथों में वहाँ पे जाकर बैठी थी और किसने उसकी ये ब्रेन वॉशिंग की थी, तो हमारे मदरसात जो हैं जहाँ पर हम होली दिवाली को सेलिब्रेट करते थे हर कोई अपने अकायद के मुताबिक, वहाँ पर वो एक्सट्रीमिज़म बढ़ता चला जा रहा है। ख़ास तौर पर जो नौजवान लड़के हैं उनकी तरबियत उस हवाले से उनकी माएँ या उनके घरों में उस तरह से नहीं होती है, एक माहौल बना दिया गया है कि किसी भी लड़की के, पिछला भी जो एक कराची में जो केस हुआ है डॉक्टर किन का हुआ है वो जो अभी मैं फैक्ट फाइंडिंग में गई थी, मेरा बिल्कुल जहन से भी नाम निकल गया, डॉक्टर माहा का,
तो अब उसमें वो लड़की ने खुदकुशी की, जो मैंने फैक्ट फाइंडिंग किया था सीनियर डिफेंडर के साथ, अब उसका भी केस का ये था कि शायद कारी, क्योंकि उमूमी तौर पे यही होता है, कारी ही करके मारा जाता है और कहा जाता है कि लड़की ने खुदकुशी की है। लेकिन मसला ये था कि लड़कियाँ अपनी मर्जी से अगर किसी लड़के के साथ दोस्ती करती हैं या अपना कोई भी रिश्ता रखती हैं तो उसको सोसाइटी में इतनी हेट नज़रों से देखा जाता है या उसको इस हद तक मजबूर कर दिया जाता है, हमेशा वो ब्लैकमेलर जो होता है ना वो गायब हो जाता है। वो जो ब्लैकमेल कर रहा होता है, वो जिस फ्रस्ट्रेशन से वो लड़कियां इस इकदाम को उठाती हैं या उनकी फैमिली उठाती है, वो वाला मामला कहीं पे आते ही नहीं, ना ही उसके हवाले से कोई हमारे पास किसी भी किस्म की लीगल कानूनी कोई कारा जो वो कानूनी चारा जो ही होती है या उसके हवाले से कोई बातचीत हो रही होती है। तो मुझे लगता है कि अगर आज जितने साथी यहाँ पर आए हैं, हम हर दफ़ा रिकमेंडेशन देते हैं, आखिर पूछा जाए सिंध हुकूमत से, क्योंकि सिंध हुकूमत ही से हम यहाँ पर सवाल करने के काबिल हैं कि भाई आप बताएं कि ये केस कहाँ पर है और आपके सामने ही वो जो उसके कातिल हैं वो दंदनाते घूम रहे हैं और वो किस तरह से आप इस केस को किस तरह परस्यू। फिर मज़े की बात क्या होती है, जितना भी वो केस होता है वो वहीं पे ही दब जाता है, ओपन कोई बात ही नहीं होती है और मीडिया भी अपनी मर्ज़ी की खबरें दिखा रहा होता है, ख़वातीन के जितने भी इश्यूज़ होते हैं उसको तो वो हाईलाइट कर ही नहीं रहा होता है। तो इसमें बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट ख़वातीन के कमीशन है, यहाँ पे भी दो कमीशन से रिलेटेड ख़वातीन जो बैठी हुई हैं, ये इस तरह के कमीशन हुकूमत बना कर तो छोड़ देती है लेकिन उनको इंडिपेंडेंट तौर पे काम नहीं करने दिया जाता कि वो इंडिपेंडेंट अपनी रिसर्च या अपनी रिपोर्ट्स लेकर आए और मीडिया के सामने पब्लिक करें, क्योंकि उनके ऊपर गवर्नमेंट का जो प्रेशर होता है वो बेयर करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है कि हमें इस ये अब मेरे ख्याल से हम सारे के सारे अक्सरियत वही है जो निमरता के प्रोटेस्ट में आए थे, उस वक्त जो दुख हुआ था और आज उसको याद कर रहे हैं, लेकिन बीच में किस किस ने उसके साथ रابطे में रहे कि क्या हुआ अब तक, वो हम में से किसी को भी नहीं पता। तो ये जब तक हमारी अपनी बेहसी हमारे दरमियान से ख़त्म नहीं होगी और फॉलो अप हम अपने ही केसेस के नहीं करेंगे, तब तक हम किसी भी तरह से नहीं इन मामलों को हल कर सकते, क्योंकि ये मुसलसल वाक़ियात बढ़ते ही चले जा रहे हैं। 2.5 साल से लेकर बच्ची 15 साल की बच्ची को आज एक रिपोर्ट, आप अखबार तो पढ़े और खबरें देखें कि 6 महीने तक उसका चचा जो है वो उसको रेप करता रहा है और इस तरह के केसेस कहाँ रिपोर्ट होते हैं और किस तरह उसकी सज़ा मिलती है वो किसी को नहीं पता है। तो ये जो हमारा पूरा तरीक़ेकार है उसको बदलने की ज़रूरत है, इसीलिए हम बार बार कहते हैं इस निज़ाम को बदलना होगा हमें। अगर इस निज़ाम में रहते हुए हम किसी भी तरह से कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, ये दकियन उसी किस्म का निज़ाम है, ये बिल्कुल क्या कहते हैं रियलिस्टिक है, इसको आप बदलने की कोशिश करें और इस पर डिमांड करें कि जब तक आप ये निज़ाम नहीं बदलेंगे हम तब्दीली नहीं हमें हासिल होगी। शुक्रिया। तुलसी संगत ऐसी न करियो जैसी लंबी खजूर, तुलसी संगत ऐसी न करियो जैसे लंबी खजूर, धूप लगे तो साया न दे, भूख लगे तो फल दूर। असांजा जेके हुक्मरान हैं वे लंबी खजूर जी तरह त नज़र अचन था, पर माण्हू ते जॾहिं उस थी पए त हू सायो नथा ॾियनि, जॾहिं बुख थी लॻेनि त हुननि खे गबो नथा ॾियनि। इहा असांजे हिन खिते जी हालति आहे जेका आहे। साईं, हाणे मां जनाब जगदेश साहब खे गुज़ारिश कंदुसि त हू अचनि, जेको आहे स्टेज ते वेठल महिमान ऐं हॉल में वेठल महिमान जी अचे। हिन मौज़ूअ ते ही सेमिनार कराइण लाइ फ्रेंड्स ऑफ सिंधु सिविलाइजेशन जसल जंहिं साल खां पोइ निमिरता खे घटि में घटि यादि कयो आहे। तव्हां निमिरता खे यादि कयो था, सभिनि खे सॾियो था। हिकु तरह सां ईअं थिए थो त इहो केस जेको उन वक़्तु ॾाढो सॼी सिंध में हलियो, वॾी दर्द जी दाह थी। पहिरियों भेरो लखे निमिरताउनि सां रेप थिया आहिनि, लखे निमिरताऊं क़तलु थियनि थियूं। इहा निमिरता हिकु लिहाज़ खां ईअं बि चऊं त इन जो
रेप उन कत्ल सिंध में एक वही दर्द की दह बणजी उभरियो उन सजी सिंध के एक आवाज किया। पहरों केस हो जो एहतजाज कराची में तीन तलवार से मुजाहरो थो ए सिंध के नौजवान कयो उन्होंने छोकरा भी हुई छोकरियों भी हुई हिंदू भा मुसलमान भा सिंधी भा उर्दू गाल बिना जात पात रंग नस्ल के कौमियत के सब भा यो मजलूमियत के खिलाफ जो आवाज हो यो आवाज जो बुलंद थो इन आवाज साबित कयो ये समाज अजा एडो बेहस न थो समाज मरी न वो इन समाज में एतरी दम आए तो जै कें न्याणी से जुलम थे तो लाड़क मीरपुर माथेलो की न्याणी लाड़काने में उन जुलम थे तो आवाज कराची के घिटन रस्तन से भी गूंजे तो यो एक उनको खुश आहद पासो हो। लेखक के तौर पर मां हर शह जहा बई पासा दिस दर्दनाक वाक्य थो ये दर्दनाक वाक्य इन घड़ी भी थन था इतने जै महल अस निम्रता से गल तद भी लखें निम्रताओं ब्लैकमेल थी रही लखें निम्रताओं ट्रेप थी रेप थी रही कुछ ही भी नी सकन उन आवाज भी खामोश यो इन सजे समाज जो अलमियो आ ताज़ो जै मोटरवे जो वाक्य थो तद अखबार में कॉलम लिख तो मूं सोचो कल लाड़काने में निम्रता से हादसो तो थे अज असे सिंध की न्याणी से जुलम थो जै लाहौर की माँ से जुलम थो तो उनके अस चूँ उ तो पंजाब की धी हुई वरी जै अस अजा थोड़ो परते वनूँ था साई के फोरम जो नालो आ सिंधु सिविलाइजेशन तो मां चवंदो आहियां त ही जेको बरसगीर हिंद पाक आ इहो सॼो सिंधु खंड आ तव्हां असां सभिनि जा दर्द बि साॻिया आहिनि रत बि साॻियो आहे रूह बि साॻियो आहे उहो दिल्ली हुजे उहो लाहौर हुजे उहो लाड़काणो हुजे लाहौर जी नामालूम लाहौरी माउ लाड़काणे जी निम्रता ऐं टी मां भेट कई दिल्लीअ जी धीउ निर्भयासीं 16 दिसंबर 12 ते निर्भया पंहिंजे दोस्त सां गॾु बस में सफ़र तां मोटे थी बस जे अंदरि हुनजो रेप थो थिए 16 सेप्टेंबर ते निर्मलता पंहिंजी हॉस्टल में ख़ुशीअ में सर्टिफिकेट वठणु अचे थी पास थियण जो आख़िरी वाइवास ॾियणु अचे थी उनजो रेप थो थिए उहा मर्डर थी वञे लाहौर जी उहा औरत जेका फ्रांस में सेटल थी चुकी आहे राति जो रुगो पंहिंजे ॿारनि सां गॾु सफ़र थी करे उहा ॿारनि जे करे रेप थी वञे सवाल इहो आहे त इन जा मुजरिम केरु आहिनि मूंखे ॿियो सवाल इहो आयो हिकु साल गुज़री वियो आहे निम्रता जो कातिल केरु आहे असांखे हिकिड़ी त अॼु ख़ुशी आहे त निम्रता जे कातिल जो त नालो बि ज़ाहिर न थियो आहे पर पंजाब जे धीउ जो अॼु जेको रेपिस्ट आहे आबिद उहो बि अरेस्ट थियो आहे उनजे अरेस्ट थियण ते असां ख़ुशि आहियूं त घटि में घटि हिकिड़ी माउ जेका पंहिंजे ॿारनि सां गॾु सफ़र पई करे बेहसीअ जी इंतिहा असांजे समाज जी उहा जेको आहे रेप थी वञे उन वक़्त में हिकिड़े माण्हूअ ॾाढो सुठो तबसरो कयो जॾहिं लाहौर ऐं गुजरात वालो वाक़ियो थियो चई काश इन जा रेपिस्ट बासर न हुजनि छो त बासर हूंदा त कानून जी पकड़ में न ईंदा पर निम्रता एतिरी ख़ुशि नसीब न हुई निम्रता जो रेपिस्ट निम्रता जो कातिल एॾो बासर हो एॾो ताक़तवर आहे जो न मीडिया उनखे ज़ाहिर करे थी सघे
न हुकूमत उनके जाहिर थी करे सके न एजेंसी उनके जाहिर थी करे सकन जिन लाइ चयो तो वने ते दुनिया जो नंबर वन एजेंसी है उनन के जाहिर करने की हिम्मत असा के समाज में भी कोनी कातिल केर है असा न था गलाई छो न था गलाई जिया के जो खोई हाँ असके मफाहमत कर सेखारी वही हाँ असा मसलियत कर सेखारी वही तमाम घणन मानू के पहले डी का खबर आ निम्रता जो कातिल केर ऐसे छो हद के ऐसे छो के खबर होंगी इो उन अन्ना जो सवाल हों तो नंढी चोरी थे या खून थे जैसे इती पिती मालूम न कह तो उनके निंड न ईदी पर हू सब चोरन ताई पुजी छा कंदो आ सौदेबाजी त एसएचओ का वठी असाजे सदारती एवानन ताई सब जा सब हाणे सौदागर वेठा हिते सौदा था थिया मुजर्म केतरो बासर आ उनके लिकायो वेंदो उन सां सौदो थींदो तुझी जान पक्षी जा पैसा वरता वेंदा जे मुजर्म बेअसर वो पकड़ो वो आबिद वागुर अरेस्ट थी वो सवाल यो आ सवाल ते असाते सबिनते लाड़कानो शहर जी कराची अर्बन सिटी आ लाड़कानो सिंधी कौम जो अर्बनाइज सेंटर आ सब का पढ़ियल गढ़ियल महजिब मानू कारोबारी मानू वेल एजुकेटेड कम्युनिटीज इन पर जेका ब्लेम गेम विक्टिम ब्लेमिंग सीसीपीओ लाहौर कई ये औरत अकेली छो निकती उहा ही ब्लेम गेम दिल्ली में भी लगी उहा ही विक्टिम ब्लेमाइजेशन हुन सां भी थी निमिरता सां मुखे ढो दुख पे थो जैसे अस एहतजाज पे क्या निमिरता से तो हिंदू कम्युनिटी जो मू भी व्यापारी कम्युनिटी जो एक मू भी चे पो सही फॉरवर्ड सही छोकरे से मेहरान से ठहल ही वॉट नॉनसेंस ए जै उ मू जो यूरोप अमेरिका घुमी आया है जिन जा बार जो उत पढ़न था वो समाज पान जै कातिलन के बदला मजलूमन से आंगड़ू खणंदो कटो डोहारी कातिल जा सहूलतकार अस तहजा सब ना उ सब मानू ना जैसे कातिल के बचाने लाए मजलूम औरत के आंगुर खणन था हथ खणन था उन ब्लेम कन था उन अड़ा कपड़ा छो पाता उन फलाने दोस्त सा दोस्ती छो रखी निम्रता के मामले में व्यापारी का सवाल कयो साईं इंदी मुझे दुकान से महरान गड हों मुझे चैन साल में उन महरान का अलावा कें बे कदें उनके दिठो चई न मुझे मन सच्ची दोस्ती ही सचो इश्क हो न ए कड़ो थो उनके ब्लेम था कयो बजाय इन जे तो तुम यो बुदायो तो कत्ल कें हद के ऐसे जो के खबर आ अस वा एहतजाज कयासे अस वही उम्मीदू रखियसे बंगश में इरफान बलोच लाटकण जब बई ऑफिसर वा वा जे न ईमानदार दबंग एस एस पी दावा कई मीडिया में त अस भी भावर धीरू आन अस न छींदे पर खामोशी थी वही पर उनके खामोश कें करायो वरी जुडिशियल कमीशन में आ रहे उन पुलिस ऑफिसर के खामोश करायो वे जेको कम करे एसएच जो हो जैसी जिम्मेदारी एसएसपी या डीआईजी कई उनके भी खामोश कराने लाए मथा कें वेहारियो वो जुडिशियल कमीशन जो कम छाए कातिलन ताई पहची इंसाफ त्यागन पर जुडिशियल कमीशन का कम कड़ो वरतो कातिलन की हिफाजत करण
कातलन ते पर्दापोशी कई वही कातल के लिकायो वे ताके खबर जद है इन हद ताई स्टेट इन्वॉल्व थी दिया तो को कातल कहे चाहियो वेंदो आ बजाय फर्ती तरह त कातल को फर्त हुंदो आ पर असल में कातल हुंदी आ रियासत खुद पान जैके कल ताई असा डीप स्टेट चवंदा हासे रियासत जी ताकतवर न हुंदी आ जेडी डीप स्टेट ताकतवर हुंदी आ जैके अज नवाज शरीफ स्टेट ओवर स्टेट जो नालो तो दे कोई गालाए भी की है एड़ी बोली जेको गालाई तो वो गद्दार आ अज मां भी जण त गद्दारी वाली बोली तो गालाया यो आ पेजे जिए के जोके में विझणो केर विझे पर कंहिंखे त सच ॻाल्हाइणो पवंदो असां आङुर खणूं था विशाल ते जंहिं बेबाकीअ सां पहिरीं बेबाकीअ सां ज़ाहिरु कयो त हीअ ख़ुदकशी नाहे हीअ क़तुल आहे विशाल खे चुप कंहिं करायो तव्हांखे ख़बर आहे हीअ मज़हबी रियासत आहे न हिते हिंदुनि में बि तमामु घणी मज़हबी जुनूनियत फहिलजी वई आहे तव्हां मां घटि माण्हुनि खे ख़बर हूंदी साईं साधराम साईं साधराम उन जे वालिद खे थो चवे त चुप करे वियो धणी भली कंदो जेकॾहिं कातिल उहो आहे जंहिं रेप कयो आहे क़तुल कयो आहे त सहूलियतकार केरु असांजा मज़हबी ठेकेदार असांजा रियासती ठेकेदार जेकॾहिं हुकूमत आहे त कंहिंजी आहे पीपुल्स पार्टीअ जी जेका असांजे वोटनि ते चूंडजी अचे थी इते वाइस चांसलर केरु आहे औरत आहे त हिते ज़ालिम ऐं मज़लूम जो फ़र्क़ु आहे सिंधी पंजाबी मुआजर जो फ़र्क़ु कोन्हे पाकिस्तानी हिंदुस्तानीअ जो फ़र्क़ु कोन्हे औरतुनि सां ज़ुल्म सॼे सिंधु खंड में हिकु जहिड़ो ई थो थिए बंग्लादेश में बि थिए थो पाकिस्तान में बि थिए थो हिंदुस्तान में बि थिए थो असांखे नंढियुनि तंग नज़रुनि खां निकिरणो पवंदो औरतुनि सां जेके जंहिं क़िस्म जा ज़ुल्म थी रहिया आहिनि उनखे जंहिं तरीक़े सां समाज ऐं रियासत उनजे रेपिस्टनि खे उनजे कातिलनि खे जेको तहफ़ुज़ थी ॾिए असांखे उन पूरे निज़ाम जे ख़िलाफ़ु तहरीक हलाइणी पवंदी ही पूरो निज़ाम असांखे ठाहिणो पवंदो इन खां सवाइ सवाल ई नथो पैदा थिए जो इंसाफ़ मिले त उहे सभु माण्हू जिन सां ज़ुल्म थिए थो उन ज़ुल्म जे ख़िलाफ़ु जेके बि आवाज़ उथारनि था उहे जेके बि जिदोजहद कनि था उन्हनि जी जिदोजहदुनि खे सलाम आहे साईंअ खे बि सलाम आहे जंहिं अॼु असांखे गॾु कयो आहे हिते त बाबा निमिरता विसरंदी थी वञे माण्हुनि खां हिकु न ॿ ॿ प्रोग्राम करे बि यादि ॾियारे थो त बाबा हिन केस खे न विसरो त मज़लूमनि जी दाद रसीअ लाइ हीअं माण्हुनि खे गॾु करणु ऐं ईअं ज़मीर खे जाॻाइणु ज़हननि खे झिंझोड़णु इहो कमु अहिड़ो हूंदो आहे जेको ई उत्साह ॾियारींदो आहे त अञा ऋण मां रुंझ मां रड़ अचे थी मथां ईअं सम्झी मुआ मोर सारा त दोस्तो मां पहिरीं भेट कई हुई नर्भया ऐं निमिरता जी ऐं हुनजी पोइ मां भेट कई रियासत ऐं समाज जी असांजे समाज जे अंदरि जेके बेहसीअ वारा रवैया आहिनि औरत ॾांहुं असांखे पाण खे उहे रवैया बदिलाइण लाइ जिदोजहद करणी आहे ठीकु थैंक्यू मंटो खां हिकु दफ़ो हिकिड़े हमराह पुछो मुहरम जो महीनो हुजे जिसे आप शिया आहे या सुन्नी आहे मंटो उनखे चयो त बाबा बात इहा आहे की करबला के बैदि शिया सुनी रहा नहीं एक टोला यज़ीदी है एक टोला हुसैनी है मेरे हुसैनी टोले सो असां जेके वेठा आहियूं उहे या हुसैन करण वारा हुसैनी टोले मां हाणे आपा नुज़रत खे अर्ज़ु कंदुसि त अचनि
मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं अनीता से कह रही थी कि क्या कहें इस ऊपर, क्योंकि हम तो अब हुकूमत का एक तरह से हिस्सा भी रहते हैं कि मैं कमीशन और स्टेटस ऑफ वुमन की चेयरपर्सन हूँ, लेकिन जब भी ये तमाम केस, नम्रता हो या नादिया अशरफ हो या डॉक्टर माहा हो या वजीरा हो या समीना हो, हम तो इन सब केसों में खड़े थे और आज तक अभी परसों बल्कि कल अदालत में खड़े होके मैं अकेली थी जो कह रही थी कि हमें सिस्टम को सही करना है, हमें पुलिस स्टेशनों को सही करना है, हमें कन्विक्शन रेट अगर बढ़ाना है तो हमें फॉरेंसिक अपने चीज़ों को सही करना होगा। ये क्यों हम एक नया इदारा बनाने की तरफ चले जाते हैं, क्यों क्यों हम अपनी औरतों को लड़कियों को पीछे धकेलना चाह रहे हैं, क्योंकि सिंध में ये सिंध की सिविलाइजेशन नहीं है। हम जानबूझ के औरतों और लड़कियों को तकसीम करना चाहते हैं, उनको पीछे धकेलना चाहते हैं, कभी मजहब के नाम पे, कभी सिंधी उर्दू के नाम पे। और कमीशन जब से बना है और हम जाहिर है अनीसा अरुण की शागिर्द हैं, तो हम यही कह रहे हैं कि हम ये तकसीम नहीं होने देंगे। जब तक मैं यहाँ हूँ हम यही आवाज़ उठाते रहेंगे, भले हमारी अकेली आवाज़ रहे उस सब में जहाँ सारा एक टोला बैठा है, वो औरतों के इदारों को मजबूत नहीं बनाने देता, लेकिन हाँ हम औरतें यहाँ, शबनम बैठी हैं, अनीता बैठी हैं, अनीस हैं, हम जब तक यहाँ पे हैं काम कर रहे हैं, हम अकेले भी काम करके दिखा देंगे, इदारा बना के दिखा देंगे। आज भी मेरे दफ्तर में 20 बच्चियाँ आई थी जो अंदरून सिंध से सारे मुख्तलिफ में उसमें तालीमी इदारों से वाबस्ता हैं, और जिसमें बच्चियाँ ये कह रही थी, जब मैं ये पूछ रही थी कि तुम किस तरह पढ़ाई की तरफ आई, तुम कहाँ से ताल्लुक रखती हो, कोई लड़की कोटली की थी, कोई लड़की घोटकी की थी, कोई लड़की बदीन की थी, और जो वो हालात बता रही थी, तो मुझे तो एक बहुत ख्वाबनाक मुस्तकबिल नज़र आता है इन बच्चियों को देखते हुए। और जब हम एज अ कमीशन ये कहते हैं कि ये आप औरतों के, हमारी औरतों के सारा वक्त आप ये तो दिए जाते हैं कि कारोकारी में ख़त्म हो गई, खुदकुशी कर ली औरत ने, उसमें मर्डर हो गया, तो ये भी बताया करें कि हमारी औरतें किस तरह तालीमी मैदानों में, किस तरह मुख्तलिफ शोबों में आगे बढ़ रही हैं। इसीलिए इनको ख़तरा नज़र आता है कि कहीं सिंध में औरत आगे ना बढ़ जाए मुख्तलिफ शोबों में। हम औरत और मर्द की तकसीम नहीं पसंद करते, हम समझते हैं, लेकिन जहां औरतें तरक्की कर रही हैं, आपकी बच्चियां अगर पढ़ाई में आगे हैं, तो खुदारा आप उसको मजहब के नाम पे पीछे ना धकेलें, आप उनके इदारों को कमज़ोर ना बनाएं, आप उन इदारों की निशानदेही जब हम कर रहे हैं, जब हम गैप्स को आइडेंटिफाई करके बता रहे हैं कि इस लॉ को बदलो, इस लॉ का इस तरह इम्प्लीमेंटेशन होगा, पुलिस स्टेशन का रोल जो है वो उसका रोल रहने दो, वो अपनी FIR सही से काटे, लोगों को मदद दे, उनका तहफ़ करे जानों का, और फिर कह दिया जाता है क्योंकि वहाँ तो एक वाइस चांसलर औरत थी, तो वो औरत उसी औरत के खिलाफ थी, और हर दफ़ा औरत की कैरेक्टर असैसिनेशन कर दी जाती है हमारे यहाँ, क्यों जब, और ये भी कह दिया जाता है कि वो एक्यूज़ बहुत बासर था। हमने अभी परसों देखा है, कल देखा है कि जब वज़ीर आज़म का इंटरेस्ट होता है तो एक औरत को बहुत आसानी से इंसाफ की तरफ देने की तरफ भी ले जाया जाता है, जिसका कोई नाम पता नहीं पता चलता। अच्छा है नाम पता ना दें, तस्वीर ना दें, लेकिन तमाम औरतों को साथ ये सलूक किया जाए जिनके साथ बदसलूकी हो रही है। जब महक केस, कुमारी का केस होता है और वो छोटी सी बच्ची होती है, तो उसके लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट ही नज़र नहीं आते, और हमको मजबूरन एक शेल्टर होम में एक कमरे को चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट बनाना पड़ता है। ये तरीके हैं औरतों के लिए जो इदारे बनाए जाते हैं, उनको मजबूत बुनियादों पे बनाया जाए।
मैं यहाँ बैठे हुए ज़्यादा मर्द हजरात हैं, मैं यही कहूँगी कि आपको हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाना होगी। अगर हम पुलिस की खामी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं तो आपको हमारा साथ देना होगा, तब हम ये जंग जीतेंगे जहाँ हम कह सकेंगे कि हाँ सिंध की सिविलाइजेशन ये कि जहाँ औरत हर शोबे में आगे होगी और बराबरी का उसको दर्जा दिया जा सकेगा। हमारे यहाँ औरतें किसी मैदान में पीछे नहीं हैं, लेकिन कभी नम्रता के केस को इतना उछाला जाता है, क्यों नहीं उस अक्यूज के नाम को लेके और उस केस को कहा जाता है। इसलिए कि हम चाहते हैं कि बहुत सारे माँ बाप अपनी बच्चियों को तालीमी इदारों से उठा लें ये कह कर के उनके साथ तो ये सलूक हो जाता है। अभी एक पिछले हफ्ते एक लड़की बहुत महीनों से मुझे कह जा रही थी कि मैडम आपके साथ काम करने को दिल चाहता है। मैंने उसको बुलाया, जब वो अपने माँ और भाई के साथ मेरे ऑफिस में आई, पहले तो मैंने कहा बेटी आप खुद ही आ जाती, मुझे बता देती, मैं ले लेती एक दफ़ा आपको। तो उनकी अम्मा ने कहा नहीं मैं ये देखना चाह रही थी क्योंकि माहौल ख़राब है तो ये कैसे किस जगह जा रही है। चलो यहाँ तक सही था। वो आगे बहुत खुश खुश गई कि हाँ कल परसों से मैं आऊँगी मंडे से, और फिर ये केस हो गया रेप का, यहाँ अखबारों में आने लगा। उसका फ़ोन ये आ रहा था मैडम मेरे, और ये शहर कराची की पीसीजे सोसाइटी की लड़की थी, वो ये कह रही थी मुझसे फ़ोन पे कि मैडम मेरा तो बहुत दिल है बस आप ही के साथ काम करूं, लेकिन अब घर वाले नहीं निकलने दे रहे हैं, कह रहे हैं कि औरतों के लिए बहुत माहौल ख़राब है और मैं घर में ही बैठ के अब काम कर सकूंगी, बाहर नहीं जा सकूंगी। क्या हम इस तरफ ले जाना चाह रहे हैं अपने इदारों को? क्या हम अपनी बच्चियों को इस तरह के माहौल देना चाह रहे हैं कि जहाँ डर और खौफ गालिब आ जाए हमारी ज़िंदगियों पे? क्यों मुझे ये कहा जाता है कि आप क्यों चली जाती हैं फलानी जगह पे अकेली? भाई क्यों नहीं जाएंगे अगर औरत बुलाएगी? एक केस मेरे ऊपर ये किया जो मैंने केस जीता है कि उन्होंने कहा रात 12 बजे आप क्यों गई थी उस औरत के घर में उसको बचाने? भाई क्यों नहीं जाएंगे हम अगर औरत कोई दर्द में हमें बुला रही है? हम जाएंगे उसकी मदद करेंगे, हम कमीशन हैं, हम उसकी मदद के लिए बनाए गए हैं, उसकी आवाज़ को सेकंड करेंगे, उसको हेल्प करेंगे। तो फिर कोर्ट ने भी यही कहा कि हाँ इनकी जिम्मेदारी है, इनके ऊपर इनको जब कोई औरत पुकारेगी जहाँ से भी पुकारेगी ये जाएंगे। और पहली दफ़ा ये भी अभी हमने करा कि जितनी कोर्ट हियरिंग हुई महक कुमारी केस में हम जाके खड़े होते रहे, और फिर वहाँ पे हमने जज को भी कहा जब एक केस दफ़ा वो उनके मौलवी सारे आ गए और मैं अकेली खड़ी थी वहाँ, और मैं कह रही थी कि ये कैसी बात है कि आप बच्ची कह रही है, एक एक्ट में है कि अगर बच्ची ये कहे कि वो माँ बाप के साथ रहना चाहती है तो आप फौरन उनके माँ बाप के हवाले उसको करें। और इस केस में वो कह रहे थे नहीं अगर हमने माँ बाप के हवाले किया तो ये मज़हब बदल लेगी। भाई ऐसे कैसा मज़हब तुमने तब्दील कराया है जो तुमको ये खदशा है कि अगर माँ के पास चली जाएगी तो मज़हब बदल जाएगा? ये कहाँ का कौन सा जबरी मज़हब तब्दील हो रहा है? क्यों नहीं इन चीज़ों को बेहतर किया जाता और कमीशन अपनी आवाज़ उठाता रहेगा? सिंध की औरत की आवाज़ है, सिंध की लड़की की आवाज़ है। हम किसी को अपने आप को ना तकसीम होने देंगे, ना ये कारोकारी और मर्डर और फांसियों को आप आगे फरोग देने देंगे। हम कहते रहेंगे कि जो इदारे ख़राब हैं उनको सही किया जाए, अगर इन्वेस्टिगेशन सही नहीं होती तो उसको ट्रेनिंग दी जाए। हमने मैनुअल भी बना के दे दिए हैं इनको कि जो हमारे लॉज बने हुए हैं उसकी आगाही दी जाए। और आप सब हजरात से कहूँगी कि अपनी बच्चियों को तालीम की मैदानों में आगे बढ़ने दें, उनको घर पे ना बिठाएं, वो एक इंसान है, उनकी पसंद से शादी करने दें। ये हमारा अगर कहते हैं मज़हब तो मज़हब की इजाज़त देता है, और वैसे एक इंसानियत का तकाजा है, और इंटरनेशनल लॉ जिस कन्वेंशन को हमने रेटिफाई किया हुआ है उसके तहत भी ये कहा गया है कि सब औरत और मर्द बराबर है और औरतों को वही हकूक हासिल है जो मर्द को है। शुक्रिया।